मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर में जिन्होंने एक नए विकास के युग की शुरुआत के लिए बहुत परिश्रम, आयोजन और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ शुरुआत की है, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, प्रधानमंत्री ऑफिस में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर प्रशासन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और इस यूथ क्लब के संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए जम्मू और कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा युवा साथियों, आज मैं लगभग सवा दो साल के बाद जम्मू कश्मीर आया हूं और आज सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के बाद पहला कार्यक्रम मेरा, मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है कि यूथ क्लब के युवा साथियों के साथ हो रहा है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मन की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुकून दोनों का अनुभव करता हूं और बहुत हर्ष भाव के साथ आप लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है, कोई भी चीज बदलनी है, तो परिवर्तन का वाहक केवल और केवल युवा हो सकता है। कोई भी परिवर्तन युवाओं के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, युवाओं की सहभागिता के बगैर संभव ही नहीं है। और हमारे देश के अंदर पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, देश और दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने एक नए कश्मीर की रचना की शुरुआत की है मोदी जी के नेतृत्व में। आज मैं देख रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था, बातचीत भी कर रहा था, आज से नौ युवा क्लब के अलग अलग सभी जाति के सभी धर्म के युवाओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ बात हुई। मेरे मन में विचार आता था कि ढाई साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में, वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितने भी ताकत अजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और इसलिए जरूरी है इस प्रकार के कार्यक्रम। मैं तो भाई मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट, ये कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम मनोज जी ने चालू करे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कोई कार्यक्रम है तो ये यूथ क्लब का उनका ये प्रयोग है। हमारी कश्मीर की लगभग 70% आबादी, 70% आबादी 35 साल के नीचे की उम्र की। अगर ये 70% आबादी के मन में आशा जगा दी जाए, 70% आबादी का हौसला बढ़ा दिया जाए, 70% आबादी को विकास के कामों के साथ जोड़ लिया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट की चिंता हो, उनकी रोजगारी की चिंता हो, और उनको अगर कश्मीर की शांति का और कश्मीर के विकास का राजदूत बनाया जाए तो कश्मीर की शांति में कोई कभी भी खलल नहीं पहुंचा सकता। और मैं मानता हूं इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग पूरे जम्मू और कश्मीर में 4500 युवा क्लब पंजीकृत किए गए हैं
उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 4229 युवा क्लब है। आप कल्पना कर सकते हैं 4229 युवा क्लब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विकास की कोई न कोई गतिविधि के साथ, खेल की कोई न कोई गतिविधि के साथ जोड़ने का काम करें। उनकी शिक्षा की चिंता हो रही है, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, वो खेले, अपने आप को खेल के साथ जोड़े, उसकी व्यवस्था हो रही है, स्किल अपग्रेडेशन की उसकी चिंता हो रही है और कश्मीर के विकास के साथ हम उसको जोड़ते हैं। मित्रों, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है, इससे आजीविका का सृजन भी होता है, इससे शिक्षा और कौशल विकास ये भी आगे बढ़ता है, आर्थिक सहायता और आर्थिक अनुदान भी। हमारी बहन बैठी है, कॉल में बताया मुझे बहुत सहायता मिली यहां पर, तो आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता भी मिलती है। परासर परामर्श एक गाइडेंस भी मिलता है और इसके साथ साथ हेल्थ अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जोड़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज युवाओं को खेल के साथ जोड़ना है। खेल ऐसी चीज है जो हर युवा ने अपने आप को खेल के साथ जोड़ना चाहिए। खेल ही हमें हारना सिखाता है, खेल ही हमें जीतने का जज्बा आगे ले जाता है। आज हार गया हूं, कल मैं जीत कर आऊंगा, ये युवा का जो स्वभाव बनना चाहिए वो स्वभाव बनता है और इससे पर्यटन और मनोरंजन के साथ भी युवा जुड़ा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मोदी जी के गाइडेंस के अंदर एक लक्ष्य रखा है, प्रत्येक पंचायत में एक यूथ क्लब बने और हर शहरी वार्ड के अंदर एक यूथ क्लब बने। प्रत्येक युवा क्लब को लगभग 25,000 की सहायता देने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। 150 से ज्यादा युवा क्लबों को भवन उपलब्ध कराए गए हैं। यूटी वाइड पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपातकालीन प्रबंधन, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, इस सारे क्षेत्रों में इस यूथ क्लब को जोड़कर इसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है और हमारे एलजी साहब के माध्यम से वो नीचे तक जा रही। कई बार जब कश्मीर का रिव्यू होता था, एलजी साहब आते थे, बताते थे, हमें रिपोर्ट भी करते थे, मगर मैं मनोज जी आपको बताता हूं, आज मैं आश्चर्यचकित हूं, आपने इतने कम समय में जो किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने जो आपका मार्गदर्शन किया था उसको आप जमीन पर उतारने का काम किया है। वृक्षारोपण, स्वच्छता और समाज की मदद करना, इसके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी यूथ क्लब के माध्यम से हो चुकी। युवा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन ही संभावनाओं से बहुत भरा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ होता है, निर्भर उस पर करता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने जो संभावनाएं उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कैसे करते हो। क्या आप रोना धोना लेकर बैठना चाहते हो? क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ संभावनाओं का संपूर्ण दोहन कर सब में आगे निकलना चाहते हो? वो युवा ने तय करना है। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी है। स्टार्टअप से लेकर ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने चालू करे और मोदी जी ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का युवा गांव में रहकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सीना तान कर खड़ा हो जाए, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म तैयार करें। ये सारी संभावनाओं का दोहन करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए और इसके साथ साथ मौका भी चाहिए। ये यूथ क्लब ये तीनों चीजों को आपको उपलब्ध कराएगा, मगर मेरा आपसे,
मेरे जीवन के अनुभव से एक मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लक्ष्य कभी जीवन में छोटा मत रखना। लक्ष्य रखते वक्त ये तय मत करना, ये सोचना मत कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पूरा करना आपका काम नहीं है, वो ऊपर से सहायता करेगा। आप एक बार लक्ष्य तय करकर इसी दिशा में द्रुत गति से स्पीड से चलना चालू करो, ईश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा और बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके जीवन में आपको उपलब्ध कर देगा। मैंने ढेर सारे जीवन चरित्र को पढ़ा जिन्होंने ऐसे लक्ष्य रखे, नीचे लक्ष्य रखे उनका कुछ नहीं हुआ, और जिन्होंने बड़े लक्ष्य रखे, हो सकता है शुरू में तो वो भटकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर जील के साथ, जीत के साथ, अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को जोड़कर जो मेहनत करता है, आयोजन करता है, प्लानिंग करता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। मैं बहुत सालों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, ढेर सारी सरकारों के आंकड़े मैंने देखे हैं, विकास के आंकड़े देखे हैं, योजनाओं के आंकड़े देखे हैं। मोदी जी आए तब देश में 20,000 गांव ऐसे थे आजादी के 70 साल के बाद कि जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा था, और कोई प्रधानमंत्री होता तो शायद ये लक्ष्य रख देता कि चलो भाई 20,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे, मगर मोदी जी ने लक्ष्य तय किया गांव में बिजली पहुंचने से घर को क्या फायदा। उन्होंने तय किया कि 2022 के पहले मैं देश के हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, और मित्रों आज घेर देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम तय हो चुका है। मुझे ठीक याद थी मनोज जी आए थे, मोदी जी के साथ कश्मीर के विकास की चिंता हो रही थी, मोदी जी हर बार कश्मीर के विकास का रिव्यू करते हैं, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात निकली तो मोदी जी ने कहा कश्मीर में बहुत घाव सहे हैं, देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर गरीब के लिए है, कश्मीर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर कश्मीरी के लिए होगी, इसमें कोई मर्यादा नहीं होगी, और आप 5 लाख तक का खर्चा हर कश्मीरी परिवार का मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और सेहत के कॉम्बिनेशन में। अगर लक्ष्य रखते हैं हम तो लक्ष्य अचीव भी होते हैं। मित्र 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई, दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको इस जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है, और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं भारत को देने वाला प्रदेश बने, इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा। जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृहमंत्री के नाते खड़ा हूं, मोदी जी ने मुझे भारत के गृहमंत्री की जिम्मेदारी दी, मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी करियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी,
ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थे, मगर लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश इतने बड़े देश का गृहमंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे साफ अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है, और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ, ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ, और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं, और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग करें, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा करें। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और जम्मू कश्मीर में 7 अंत में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी। देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई थी, अगर जम्मू कश्मीर में नहीं थी, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली है। मुझे बताओ बोला, गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा? 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो, और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, और देश की संसद में भी जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी पहले कुछ परिवारों तक सीमित थी, नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी है और इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं युवाओं ने इस प्रक्रिया को जुड़ना चाहिए, और ढेर सारे जो लोकतंत्र के फायदे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत करना चाहिए। भ्रष्टाचार के अंदर भी कमी हुई है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं लगभग कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचा है, किसी को 25 पैसा नहीं देना पड़ा होगा गैस की बोतल के लिए। यहां बैठे हैं जिनको सब्सिडी मिली है, वजीफे मिले हैं, जिनको लोन मिला है, जो खेलों के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हो आप, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। मैं आंकड़े बाद में दूंगा, मगर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप में मेरिट है, आपके पास मार्क है, आपके पास कौवत है, आपके पास कौशल है, तो अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आ जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत। आज विद्या सहाय का हफ्ता, विद्या सहाय सीधा विद्यार्थी बैंक अकाउंट में पहुंचते, उसको धक्का खाने की जरूरत नहीं। किसी वृद्ध का पेंशन सीधा इसके घर में पहुंच जाता है, बच्चों का वजीफा इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाता है, किसी को धक्का खाने की जरूरत, कोई आपसे 5 पैसा भी नहीं मांग सकता। साहब मोदी जी किसानों को 6,000 रुपया साल का बेचते हैं, जम्मू कश्मीर के किसान को भी बेचते हैं, वहां से एक बटन दबाते हैं 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को पूछना चाहता हूं, इस प्रकार की व्यवस्था क्या अभी हमने कभी सोची थी?
5 अगस्त 2019 के पहले संभव था क्या? ये पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का खात्मा जम्मू कश्मीर के विकास की नींव है। मेरी बात याद, इस राज्य को भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह इसकी जड़ें खोखली करी थी। हम उसमें से बाहर लाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं आप लोगों को बड़े दुख और दर्द के साथ एक बात बताना चाहता हूं, आजादी के बाद पर हेड किसी राज्य को सबसे ज्यादा भारत सरकार ने मदद करी है तो जम्मू कश्मीर में। मगर गरीबी गई क्या? बेरोजगारी गई क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बढ़ने लगा, गरीबी जाने का अब जरिया हुआ, रोजगारी अब मिलने बोली, पढ़ाई लिखाई के लिए यहां से पाकिस्तान जाते थे। मनोज जी कितने मेडिकल कॉलेज बना दी? 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 11 नर्सों की कॉलेज बनाई है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, यहां के गरीब मां बाप के तेजस्वी बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए अब जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कई साल पहले यहां शुरू होना चाहिए था मगर नहीं हो पाया। मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा 2004 से 14 के लिए, पुराने 90 के तो आंकड़े लाने बोलना भी नहीं चाहता। उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी उंगली नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा, सब मिलाकर सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना, सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना, सरकार तो प्रयास कर सकती है दहशतगर्दी को निकालने का काम। मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर दो, क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। मैं सभी युवा साथियों को अपील करने आया हूं कि यहां पर मोदी जी ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 25,000 सरकारी नौकरी ये 2 साल के अल्पकाल के अंदर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार के बगैर दी है। 7,000 नियुक्ति पत्र कल ही देने जा रहे। खादी द्वारा मधुमक्खी हो या इलेक्ट्रॉनिक चाक हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, और मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि
कि जो कम पढ़े लिखे हुआ है उनको खादी ग्रामीण विकास बोर्ड के साथ जोड़िए। एक मधुमक्खी का डिब्बा लाकर घर पे रख देंगे, 2-3 हजार रुपया कमा लेगा। एक मिट्टी के बर्तन बनाने का इलेक्ट्रिक चाक लेकर आएगा, वो 5 हजार रुपया कमा लेगा। उनको जोड़िए आप खादी विकास बोर्ड के साथ, उनको लगभग लगभग 4 लाख लोगों को रोजगारी देने की शुरुआत हुई। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अभी मनोज जी ने कहा कि एक नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आई है भारत सरकार, औद्योगिक नीति लेकर आई, और मोदी जी ने मन खोल कर कश्मीरी युवाओं के लिए इसमें मदद भेजी है। पूरे देश भर में इतनी लुक्रेटिव आकर्षक औद्योगिक नीति किसी भी राज्य की नहीं, पर इसी का कारण है कि एक बार तो आजादी से अब तक 15,000 से ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। अब तक औद्योगिक नीति को आए अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर राज्य में आ चुका है। घाटी में 5,000 और 7,000 जम्मू में, 12,000 करोड़ का, एक और 70 साल का और एक और 6 महीने का। मुझे पूरा भरोसा है कि देखते देखते हम 2022 के पहले 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर जाएंगे। फिर भैया तेरी जो टेम्पो है, 3 टेम्पो भी ले लोगे तो सारे हफ्ते तेरे भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है, उद्योग आता है तो उसके साथ रोजगारी आती है। इन्वेस्टमेंट आता है, इसके साथ टैक्स आता है। टैक्स आता है तो राज्य सरकार विकास करती है, गांव का विकास करती है, शहर का विकास करती है, रोड बनाती है, रास्ते बनाती है, बिजली पहुंचाती है, कृषि के अंदर हमारी खेतीबाड़ी करने वाले भाइयों की मदद करती है, सेब की नई नई नस्लें आएगी, उसके बिकने की व्यवस्थाएं होगी। केसर को अब जीटेक टैग करने के बाद केसर के दाम कितने बढ़ गए। परंतु ये सब करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए। वो इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत भी हो गई है, नया मेडिकल कॉलेज और 15 नर्सिंग कॉलेज बनाने की योजना है, जिसमें से 7 का काम शुरू हो चुका है। 70 साल तक हम पर जो आरोप लगाते हैं, ये 3 परिवार वाले, मैं उनको हिसाब किताब पूछने आया। 70 साल तक मेडिकल की 1947 से 2014 तक 500 सीट थी। जरा हॉल वाले एक साथ बोले कितनी सीटें थी भाई, जोर से बोलो जरा कितनी। आज 1150 एमबीबीएस की सीटें 500 की जगह हो चुकी है और 1100 होने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 2000 बच्चे एक साल के डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे। 14 डेंटल की सीटें निकलवा पीजी की और 600 पैरा मेडिकल सीटें निकलेंगी। इसके साथ आईआईटी आपके लिए यहां है, किसी को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। एनआईटी यहां आ चुका है, आईआईएम यहां आ चुका है, नीट यहां आ चुका है, आईआईएमसी यहां आ चुका है, कैंसर इंस्टीट्यूट यहां आ चुके हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ चुके हैं। मुझे बताइए 70 साल में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको विकास नहीं करना था, भावनाओं को भटकाकर सियासत करकर अपने राजनीतिक खेल खेलना था, अपने परिवार के अंदर सत्ता को बांध कर रखना था। जमहूरियत इसके लिए नहीं होती, जमहूरियत इसके लिए होती है कि देश का पैसा अंतिम से अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, विकास अंतिम से अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, और नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं। मित्रों, ढेर सारी चीजें हैं कहने के लिए, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उस सब का सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन अगर देश भर में कहीं हुआ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जम्मू और कश्मीर में हुआ है। लगभग लगभग स्वच्छ भारत मिशन का काम यहां पर पूरा हो चुका है, हर घर में शौचालय पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55,000 गरीबों को घर देने की कार्यक्रम शुरू हो गया है और उसमें से 11,000 लोगों को घर देने का काम पूरा भी हो चुका है।
ये 55,000 लोग पूछते हैं कि 70 साल तक मुझे क्यों घर नहीं मिला था। मैं उनको कहना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 के बाद आपको घर मिलने का रास्ता खुल गया है। दबों के सिया नीचे तक परकुलेट हुई। जल जीवन मिशन के तहत 2 जिलों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है और 11 जिलों में 2021 दिसंबर के पहले हम समाप्त कर देंगे, 7 जिलों में सितंबर 22 के पहले समाप्त कर देंगे। तो अगले साल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी मिलने की व्यवस्था हम करेंगे, वो भी 70 साल तक नहीं हुआ। सभी स्कूल्स और आंगनवाड़ी में पाइप से पानी पहुंच गया है। सेहत कार्यक्रम के तहत सेंटर को भी सब पहुंच है, सारे अस्पतालों को भी पहुंच चुका है। सेहत के तहत हर नागरिक को 5 लाख तक अपने स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई भी खर्चा किसी को करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला टीका 100% कहां लगा मालूम है आपको? कोरोना का टीका 100% कहां लगा मालूम है? अपने जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे पहला टीका लगाने का काम 100% हो गया और दूसरा टीका भी 50% क्रॉस कर गया है। ये कैसे होता है? क्योंकि मोदी जी के मन में कश्मीर की प्रायोरिटी है, तब जाकर होता है। अब कश्मीर से अंदर से कोरोना को भगाया, तीसरी लहर नहीं आई, मगर आए तो क्या? ऑक्सीजन प्लांट सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से जम्मू कश्मीर को दिए गए, लगभग ढेर सारी योजनाएं जिसके अंदर सौभाग्य, इंद्रधनुष, उज्ज्वला गैस देने की, उजाला बल्ब देने की, ये सारी योजनाओं का 100% लक्ष्य जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा कर लिया गया है। विद्यार्थियों की 5 छात्रवृत्ति योजनाओं में 100% छात्रवृत्ति देने का काम समाप्त हो गया है। लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को वजीफा मिल रहा है, 5.5 लाख, और कोई भी चोलिया नहीं, सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। किसानों के लिए जो भी जो योजनाएं की है वो सबको मिलती है। पीएम किसान के तहत लगभग 12 लाख किसानों को कवर किया गया है। कौशल विकास की सब्सिडी भी सबसे ज्यादा पर हेड देने का काम हमने यहां पर किया है। युवाओं के रोजगार के लिए लगभग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, इसमें एक अंदाज है कि 5 लाख से ज्यादा रोजगार प्राइवेट इंडस्ट्री के पैदा होगी। 4 श्रेणी के 10,000 रिक्त पदों के सामने 8,900 लोगों का भर्ती का काम समाप्त हो गया है। संघ सेवा आयोग ने परीक्षा आयोजित करके 830 लोगों का चयन कर दिया है। बैंक के नीचे जैसे यहां कुछ हुआ, उनको लोन मिला है, ऐसे लगभग 20,000 लोन दे दिए गए हैं। 4545 यूथ क्लब जो आज के कार्यक्रम में मेरे सामने, ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी एक्टिव कर 5,000 युवाओं को 360 डिग्री फाइनेंशियल सेवाओं उनका प्रशिक्षण देकर उनको नौकरी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की, ढेर सारा काम कर रहे हैं। पहाड़ी लोगों के लिए रिजर्वेशन किया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के पास के गांवों के लिए भी रिजर्वेशन करा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन किया। अब ट्राइबल जातियां भी घोषित हो जाएगी, अनुसूचित जातियां भी घोषित हो जाएगी, मेरे पहाड़ पर रहने वाले गुर्जर भाइयों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिलने वाला है। विधवा महिलाएं, असहाय महिलाएं, वृद्ध और विकलांग का वजीफा हर महीने टाइम टू टाइम वहां पहुंचा दिया जाता है। इसके साथ साथ मैंने जो कहा पहले ही, इन्वेस्टमेंट बहुत आने लगा है, लगभग पर्यटन के लिए भी पर्यटक की संख्या में ढेर सारी बढ़ोतरी, 2020 में भी ज्यादा आए थे आगे से, मगर 2020 में ज्यादा आकर कितने आए थे मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, 36,700 पर्यटक, और 2021 के मार्च में वो पर्यटक 3 गुना बढ़कर 1,13,000 पर्यटक आए हैं। जो युवा ने टैक्सी लिए ना, और जो होम स्टे की योजना में लगे, उनको मालूम पड़े कि तीन गुना काम हमने किया है। सिंचाई और कृषि के लिए भी ढेर सारा काम किया गया है, रोड कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारा काम किया गया है। मैं कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बताने वाला हूं
योजनाओं का तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो अंबार लगा है, जल विद्युत के प्रोजेक्ट हो या रोड हो, ढेर सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। मित्रों, लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज की 55,000 करोड़ की योजनाएं शुरू हो चुकी है। मैं इसके नाम में जाना नहीं चाहता, मगर मैं एक बात मन से कह रहा हूं, 2019 के बाद यहां कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत होल्ला मचाया कि यहां कर्फ्यू क्यों डाला गया है, यहां इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया। मैं तो जवाब देता हूं, मगर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 साल आपके 3 परिवारों ने ही यहां राज करा है, हम तो 2-2.5 साल राज में रहे, 3 परिवारों ने राज किया है, 40,000 लोग क्यों मारे गए? क्या जवाब है आपके पास? और उस वक्त जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी, अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने जवान युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर जनाजे निकालते होते। कौन बचा है कर्फ्यू डालने से? कोई मुझे बताएगा कौन बचा है? कश्मीर का युवा बचा है, इंटरनेट बंद किया कश्मीर का युवा बचा है। आज परिस्थिति सामान्य है, सब खोल दिया, सब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मगर उस वक्त उकसाकर, दबाव बनाकर, बदनाम कर कर्फ्यू उठवाना उनका लक्ष्य था। कर्फ्यू उठेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का संघर्ष होगा पुलिस के साथ और लोग मारे जाएंगे और हमारी राजनीतिक रोटियां हम सेकते रहेंगे। फिर भी अगर किसी को इससे तकलीफ होती है तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि लंबे भले के लिए थोड़े समय की तकलीफ आपको दी गई है। जैसे मलेरिया होता है कि नींद की कड़वी दवा डॉक्टर हमें देता है ना, इस प्रकार की तकलीफ थी, इससे आपके बच्चे ही सुरक्षित हुए, मेरे कश्मीर के युवा, मेरे भाई बहन ही सुरक्षित हुए। किसी को क्या फायदा है? मोदी जी को क्या फायदा है? मैं तो नजदीक से मेरा मंत्रालय ही देखता हूं, मनोज जी यहां बैठे, पूछे कभी जाकर मिलिए, सबको मिलते हैं मनोज जी, हर रोज मोदी जी कश्मीर की चिंता करते हैं। मित्रों, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मुख्यधारा में लाइए, मुख्यधारा में लाइए, मैं सबको कहता हूं कि कश्मीर ही हमारे मूल मूल है। कश्मीर भारत का पहले मुकुट नहीं बताते थे, मैं बताता हूं कश्मीर भारत का दिल है। हर भारतवासी चाहता है कि मेरे कश्मीर राज्य के अंदर भी खुशहाली आए, अमन आए, चैन आए, विकास आए। और अभियान को लेकर मोदी जी निकले, हमें अभियान को आगे बढ़ाना है, और इसीलिए मैं युवा साथियों के साथ बातचीत कर रहा हूं कि युवाओं के अलावे परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। अगर समाज की सोच का परिवर्तन करना है तो युवाओं में ही शुरुआत करनी पड़ेगी, हिम्मत आपने करनी पड़ेगी। 25-50-40 कश्मीर में किसको जीना है? मेरे और मनोज जी का तो आयु हो गया भाई, आपको जीना है। कश्मीर के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। सब एकजुट हो जाइए, बहकावे में हम नहीं आएंगे, लोकतंत्र को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, चुनाव कराने ही कराने हैं। डिलिमिटेशन रोकना, क्यों रोकना? क्योंकि हमारी राजनीति का नुकसान होता है। मतलब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है, कश्मीर के युवाओं को मौका मिले इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोडमैप है। और मैं तो कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करने आया हूं मित्रों, आप मोदी जी के साथ जुड़िए, भारत सरकार के साथ जुड़िए और कश्मीर को आगे ले जाने की जो यात्रा शुरू हुई है उसके सहयात्री, ढेर सारी संभावनाएं कश्मीर के युवाओं के लिए। मोदी जी, कश्मीर को कुदरती सौंदर्य की दृष्टि से तो ईश्वर ने आपको स्वर्ग बनाया ही है, मगर मोदी जी यहां शांति, समृद्धि,
और विकास को भी देखना चाहते हैं। इसके लिए कश्मीर के युवाओं से सहायता मांगने के लिए मैं आया हूं। मित्रों, आज प्रशासन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, युद्ध क्लब बनाया है, आपको जीवन में प्लेटफॉर्म दिया है, मौका दिया है। आइए, आप आगे बढ़िए और इस मौके को उठाइए। यहां पर लोकतंत्र को मजबूत करिए, गुमराह करने वाली ताकतों को युवा जवाब दे। और मैं कहता हूं आपको, कश्मीर की शांति में किसी को खलल नहीं पहुंचाने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, कश्मीर की विकास यात्रा अब रुक नहीं सकती है। जम्मू और कश्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सात अर्थ में आज आप सब लोगों से बातचीत कर और विशेषकर पहले जो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से, पुलवामा से लेकर सोफिया से लेकर उधमपुर तक सारे ग्रामीण युवाओं से बात हुई, मन को बहुत सुकून मिला है कि कश्मीर का युवा आज सही रास्ते पर चढ़ चुका है और कश्मीर की विकास की यात्रा पे सहभागी हो रहा है। मेरी आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में आप बहुत आगे बढ़िए, इस मौके का फायदा उठाकर, इस यूथ क्लब का जरिए का अपनाकर और कश्मीर, जम्मू कश्मीर प्रशासन का साथ देकर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।